नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। इस कहानी का पिछला भाग मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूं, तो पहले आप वो भाग देख लीजिए वरना आपको ये कहानी पूरी तरह समझ नहीं आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो आई बटन में भी ऊपर की तरफ फ्लैश होगी, तो उसे क्लिक करके आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लें। तो चलिए जहाँ से हमने पिछली कहानी को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आर्थर अब अपनी नौकरी छोड़कर पश्चिम के कांसास सिटी में आ गया था। वहाँ पर उसने अलग अलग कंपनीज के लिए काम किया और उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। अपनी परिश्रम और कड़ी मेहनत के दम पर जल्दी उसने व्यापार के सभी दाव पेच सीख लिए। आर्थर को भी विश्वास होने लगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच आत्माओं ने उसका मार्गदर्शन करना नहीं छोड़ा। आत्माओं के कहने पर आर्थर ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम आर्थर सिटी बेल्ट लाइन रखा और मात्र 26 साल की उम्र में आर्थर एक धनवान व्यक्ति बन गया। वहाँ के आर्किटेक्ट्स हैरान थे कि आर्थर इतने बढ़िया चित्र व नक्शे कैसे बना लेता है, जबकि उसको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी और वो कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था। आर्थर जैनी को अपने राज के बारे में सब बता चुका था और वो जैनी को बताया करता था कि लोग मेरे कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर किसी को ये पता नहीं था कि ये सारे नक्शे व चित्र उन इंजीनियर्स की आत्माओं ने बनाए थे। आर्थर सिर्फ कलम व कागज को कैनवास पर रख दिया करता था। वो जैनी को दिखाया करता था कि देखो जैनी, ये मेरी हैंडराइटिंग तक नहीं है। फिर एक दिन सोते वक्त आत्माओं ने उससे फिर से कहा कि तुम कांसास सिटी से मैक्सिको के लिए एक रेल मार्ग का निर्माण करो। उसने उस प्रोजेक्ट पर काम करने का निश्चय किया, पर इसके बाद आत्माओं से कोई परामर्श न लेके आर्थर ने अपने काम पर फोकस किया और अपना प्लान बदल करके आर्थर मैक्सिको की जगह गलवेस्टन पोर्ट के लिए रेल मार्ग बनाने लगा। आत्माओं ने उसे समझाया कि उसे वहां पर रेल मार्ग नहीं बनाना चाहिए, पर उसने उनकी बात ना मान के काम को जारी रखा। आत्माओं ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वो ये रेल मार्ग ना बनाए, पर आर्थर उन पर चिल्लाने लगा और कहा कि पोर्ट ऑफ गलवेस्टन के लिए रेल मार्ग बनाने से अच्छा क्या हो सकता है। आत्माओं ने कहा, तुम खुद के नाम का एक शहर बनाओ जिसका नाम पोर्ट आर्थर होगा। आर्थर अब पूरी तरह हताश हो गया था। उसने कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे पागल समझने लगेंगे और समझेंगे कि सफलता के कारण मुझे घमंड हो गया है। मैं लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा चुका हूं। इस प्रोजेक्ट के निवेशकर्ता मुझ पर केस कर देंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पर वो आत्माएं भविष्य देख सकती थी। उन्होंने आर्थर को आश्वस्त किया और कहा, लोगों को हंसने दो और हमारी बात मानो, वरना तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें गलवेस्टन शहर का भविष्य दिखाते हैं। आर्थर दीवार पर गलवेस्टन शहर की पेंटिंग को देखने लगा। वो अचानक धूमिल होकर गायब हो गई। फिर उस वॉल पे उसने देखा कि गलवेस्टन शहर के लोग काम में व्यस्त हैं। उतने में शहर में एक भयंकर तूफान आ गया और बाढ़ भी साथ में, जिससे शहर में सब कुछ तबाह हो गया। ये सारा दृश्य आर्थर की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब आर्थर की आंखें खुली तो उसने सब कुछ पहले जैसा सामान्य पाया और आर्थर ने अब निश्चय किया कि वो गलवेस्टन में रेल मार्ग नहीं बनाएगा। साथ ही उसने पोर्ट आर्थर नाम का नया शहर बनाने की भी घोषणा की। सभी बैंक अधिकारी और निवेशकर्ता उसके खिलाफ हो गए। उसने सबको बहुत समझाया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसको हर तरफ से धमकियां मिलने लगी। सबने उस पर मुकदमा कर दिया, पर अंत में आत्माओं के मार्गदर्शन से जीत आर्थर की ही हुई। आर्थर ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा और आखिरकार उसने वो पा लिया जो उसने सोचा था। उसने पोर्ट आर्थर नाम का शहर सच में बसा दिया था। इसके चार दिन बाद आधी व बाढ़ में सारा गलवेस्टन शहर तहस नहस हो गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आर्थर ने देखा था। आर्थर 68 साल से ज्यादा उम्र तक जीवित रहे। अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने किताबें भी लिखी जिसमें उनकी सहायता राइटर और पोइट की आत्मा करती थी। उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी, ढेर सारी दौलत के साथ नाम भी कमाया। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1928 में हुई। जब वो मरे तो वो अपने पीछे 5 रेल मार्ग, पोर्ट आर्थर शहर, पोर्ट आर्थर कैनल एंड लिक्विड, साथ ही करोड़ों डॉलर की संपत्ति छोड़कर गए। ये सब अब भी वहाँ मौजूद है। $40 प्रति महीने की नौकरी करते वक्त आर्थर ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस मुकाम पर पहुँचेंगे। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय उन आत्माओं को ही देते रहे और उन्हें कभी नहीं पता चला कि आखिर उन आत्माओं ने उन्हें ही क्यों चुना। तो दोस्तों, ये अनोखी कहानी थी आर्थर एडवर्ड स्टिलवेल की। ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर अगर आपको ऐसी और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुननी है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब को। साथ ही इस वीडियो को शेयर व लाइक करके चैनल को ग्रो करने में हमारी सहायता करें। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताया करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।